और ये फैसले का वक्त है कुलनास, तुम्हें अभी फैसला करना है तुम करना क्या चाहते हो, और इसके बाद तुम मुझसे शिकायत मत करना। हाँ ठीक कहा तुम, ये फैसले का वक्त है लेकिन फैसला मैंने नहीं तुमने करना। अभी 2-4 दिन है, तुम अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ, रिश्ता पक्का कर दें, वो तो मैं पेपर नहीं दूंगी। ब्लैकमेल कर रही मुझे? तुम हर बात क्यों गलत समझते हो, मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ तुम्हें, मैं सिर्फ पेपर ना देने का जवाब चाहती हूँ। शादी की बात हो जाएगी तो फिर मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो। देखो गुलनाज, मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। रूठी हुई मुझसे यूं मेरी जिंदगी क्यों, खोई हुई जाने कहां मेरी हर खुशी क्यों, किसे अपना अमजद, मेरा बच्चा, मुझे इतनी खुशी है ना कि तुम आ गए हो। कैसे आ गई खाला की याद तुम्हें? बस खाला, आपके हाथ के पराठे खाने आया हूँ, कसम से बहुत दिल चाह रहा था। अरे तो पहले फोन करके बता देते, मैं सारी तैयारी करके रखती हूँ, तुम जैसे ही आते गर्मा गर्म पराठे तुम्हारे लिए तैयार होते। मैं जाके बनाती हूँ, तुम ऐसा करो वहां जाके बैठ जाओ। आप आराम से बनाएं, मुझे कोई जल्दी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं जल्दी से बनाती हूँ। दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ। अरे भाई कौन है, दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ ना। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम, मैं तुमसे मिलने आया हूँ दुर्दाना। नहीं नहीं प्लीज, अम्मी घर पर हैं, प्लीज तुम बाहर जाके बैठो। हाँ मैं बाहर आ जाऊंगी ना। वो घर पर हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा अपना अमजद हूँ। वो तो ठीक है मगर। ओहो इतना क्यों डर रही हो? खाला किचन में मेरे लिए पराठे बना रही हैं और उन्हें वक्त लगेगा। हाँ लेकिन फिर भी ना अमजद, अगर कोई अंदर आ गया तो? तुम बाहर जाके बैठ जाओ ना, मैं अभी आ रही हूँ बस। क्यों जाऊँ, मुझे मेहमानों की तरह ड्राइंग रूम में नहीं बैठना। तो फिर ये भी बता दो कि क्या चाहते हो तुम। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। मगर ऐसा मुमकिन नहीं है, इसके लिए तो तुम्हें मुझसे निकाह करके मुझे अपने घर पे लेके जाना पड़ेगा ना। निकाह भी कर लूंगा। कैसे करोगे? निकाह तो तब होगा ना जब तुम अपनी अम्मी को बताने का हौसला पैदा करोगे अपने अंदर। यही तो बताने आया हूँ तुम्हें। मैंने अम्मी को कह दिया है कि शादी करूंगा तो सिर्फ दुर्दाना से। सच? तुम्हारी कसम। उनकी बात छोड़ो, मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया है, उन्हें मनाना मेरा काम है, तुम बस मुझ पे भरोसा रखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस ऐसे ही। यहाँ क्या कर रहा था? हम सिर्फ बातें कर रहे थे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कमरे का दरवाजा बंद करके हो रही थी? क्या हो गया तुम्हें गुलनाज, इस तरह के सवालात क्यों कर रही हो मुझसे? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जिन लड़कियों को लड़के इस तरह छुप छुप कर मिलते हैं ना, उनसे कभी शादी नहीं करते। अच्छा, सब लड़के इमरान भाई की तरह नहीं होते? आ, 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 आ,
नजीब अहमद, ये जो शोरूम का काम है ना, ये शोरूम में छोड़कर आया करो। इंसान घर आता है, कोई सुकून का सांस लेता है, बीवी बच्चों से बात करता है, कोई हंसता खेलता है, और तुम हो कि हिसाब किताब लेके बैठ जाते हो। आप इस उम्र में तुम्हारे साथ अटकेलियां करने से तो राम है। खैर, जब उम्र थी नजीब अहमद तब तुमने कौन सी अटकेलियां कर ली थी। पुरानी बातें करके दिल जलाने के सिवा मिलेगा क्या? उस सुहाने दिन जिनके ख्वाब कम उम्र में लड़कियां देखती हैं वो तो ज़ाया हो गए। मैं तो बस ये कह रही थी नजीब अहमद, हर वक्त काम में लगे रहते हो, अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखा करो। जान है तो जहान है, ये ना हो कि बीमार पड़ जाओ। अरे वाह, आज मेरी सेहत का ख्याल कैसे आ गया तुम? अब ऐसी बात ना करो नजीब अहमद, मैंने तो सारी उम्र तुम्हारी सेहत की फिक्र की है। अपनी फिक्र की होती तो आज ये हाल ना होता। सही कह रही हो तुम, अगर तुमने अपनी फिक्र की होती तो मैं वक्त से पहले बूढ़ा ना होता। क्या मतलब है इस बात का? आखिर कहना क्या चाह रहे हो? मेरा मतलब है कि अगर बीवी खुद पर तवज्जो दे ना थोड़ी सी, तो मर्द का दिल जवान रहता है। माना नजीब अहमद कि मैंने कभी खुद पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन अभी भी लाखों से अच्छी हूं। अब मैं फहमीदा बनने से तो रही, और वैसे भी ये जो हर वक्त बनाव सिंघार करती है ना औरतें, ये कोई अच्छी नहीं होती। एक बात कहूं, जब तक तुम फहमीदा के लिए अपने दिल से मैल नहीं निकालोगे, सारी जिंदगी जलती भुनती रहोगी। मैं क्यों जलती भुनती रहूंगी? जले भुने मेरे दुश्मन, और जले भुने वो लोग जो मेरे दुश्मनों के सज्जन हैं, उनके हमदर्द हैं। मैं भी कितनी बदनसीब औरत हूँ, सारी जिंदगी जिस शौहर की वफादार रही, जिसके लिए रोटियां बनाई, कपड़े धोए, बर्तन मांजे, अपने हाथों का ये हाल कर लिया, उसने कभी झूठे मुंह मेरी तारीफ नहीं की। डरो डरो मेरी आह से, डरो नजीब अहमद। खुदा के वास्ते, मुझे काम करने तो बड़ा जरूरी काम कर रहा था। तो मुझे भी तुम्हारे पास बैठने का कोई शौक नहीं है, मैं भी जरूरी बात करने के लिए आई थी। कहो, कौन सी जरूरी बात करनी है तुमने? वो मैं चाह रही थी नजीब अहमद, तुम ना जुल्कनैन के घर चलो मेरे साथ। तुमने जाना तो चली जाओ, मेरा जाना जरूरी है क्या? जरूरी है, इसीलिए तो कह रही हूँ। वो मैंने बतूल का रिश्ता मांगना है अमजद के लिए। क्या इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्या बेटे की शादी नहीं करनी? एकदम तुम्हें अमजद की शादी का ख्याल कैसे आ गया? देखो, जब तक वो किसी काम काज में नहीं लग जाता, मैं उसकी शादी करने के हक में नहीं हूँ। अपना बोझ तो वो उठा नहीं सकता, बीवी को कहाँ से खिलाएगा? जब हमारी शादी हुई थी नजीब अहमद, तब तुम क्या करते थे? अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा को, शादी के 10 साल बाद तक अपनी मोटरसाइकिल के पेट्रोल के पैसे तुम अब्बा से लिया करते थे। अब करते हो ना काम, जब अमजद के सर पे पड़ेगी वो भी कर लेगा। अरे तब की बात और थी, तब इतनी महंगाई नहीं थी। अब तो देखो, बात को टालो मत नजीब अहमद, मैंने हमेशा सारी जिंदगी तुम्हारी बात मानी है, तुम्हें मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी होगी बस। अच्छा बताओ ना, कब चलोगे मेरे साथ जुल्कनैन के घर? पहले अमजद से तो पूछ लो, वो शादी के लिए तैयार भी है कि नहीं। है वो शादी करने के लिए तैयार, मगर वो मगर क्या? बाप की तरह बेटे पे भी फहमीदा का असर हो गया, कहता शादी करूंगा मगर दुर्दाना से। क्या? इससे पहले कि वो वहां पे कोई गुल खिलाए, मैं अमजद की बात पक्की करना चाहती हूँ बतूल से। सारी आजमाइशें हमारे लिए, हमें ही सब इम्तिहानों से क्यों गुजरना पड़ता है? या अल्लाह, तू तो बड़ा इंसाफ पसंद है, फिर हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? क्यों हम ही सबके लिए तमाशा बन गए? क्यों कोई हमारे जज्बात का ख्याल नहीं करता? क्यों क्यों हर कोई हम पर अपना जोर आजमाता है?
बात पूछ के शीशा घरों से ये टूटे दिलों को जोड़ना आता है काम ये जाने कैसा दर्द है दवा ना कोई वृद्ध है मिले है कैसे सिरे ऐ मेरे खुदा बता मुझे है गिर रहे ये आंसू कैसे रुके खुदाया बस में मेरे बेटा ये लो दूध पी लो नहीं पीना मुझे ले जाएं आप इसे यहाँ से तुमने खाना भी नहीं खाया है क्यों कर रही हो अपने साथ ज्यादती अम्मी मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना आप क्यों जिद कर रही हैं अगर तुम्हें गुस्सा मुझ पर है तो मुझ पर निकालो अपने साथ क्यों जुल्म कर रही हो मुझे किसी पर गुस्सा नहीं है मुझे बस अपनी किस्मत से गिला है जिस चीज पे इख्तियार ना हो उससे क्या गिला तो फिर किससे गिला करूं मैं मुझे अभी भी याद है अम्मी जब मैं छोटी हुआ करती थी ना और आपसे किसी चीज की ख्वाहिश करती थी आप मुझसे कहती थी अल्लाह ताला से दुआ करो वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे और सिर्फ आपके कहने पर मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती रही लेकिन क्या हुआ कुछ भी तो नहीं हुआ ना अब्बू के लिए मैंने कितनी दुआएं की थी पर वो भी तो नहीं रहे इसीलिए एक एक ख्वाहिश का गला मैंने अपने हाथों से खोट दिया फिर भी किस्मत के सितम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हमें सबको क्या दुश्मनी है अपनी हमसे आपसे क्या दुश्मनी है सबको कोई आपका नाम सुनना क्यों गवारा नहीं करता बताए ना अम्मी क्या बिगाड़ा आपने सबका बताए ना मुझे आपने क्या बिगाड़ा है उन सबका मुझे बताए ना क्या रूठी हुई मुझसे यूं मेरी जिंदगी क्यों खोई हुई जाने कहां मेरी हर खुशी क्यों किसे अपना जाओ तुम चुप करके ऐसा कैसे हो सकता है
मैं इतनी बेहिस तो नहीं हूं कि तुम्हें रोता देख के चुपचाप सो जाऊं। बताओ तो सही क्या हुआ है। मुझे लगता है तुम्हारी इमरान से लड़ाई हुई है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ये रोज रोज के रोने से बेहतर नहीं है कि तुम एक ही बार उसकी बात मान के हमेशा के लिए किस्सा खत्म कर दो ना। मोहब्बत में इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ती है। खैर तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारे दिल में आए वो तुम करो। फिलहाल आधी रात को रोना बंद करो और सो जाओ चुप करके। गुलनास बेटे उठो उठो उठो, पूरी रात यहीं सो गई। आओ शाबाश बिस्तर पर चलो। अच्छा अच्छा तो फिर क्या सोचा नजीब अहमद? किस बारे में? ये जो अखबार है ना, इसको थोड़ी देर साइड पे रख दो और तवज्जो से मेरी बात सुनो। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आती, सारा दिन शोरूम में एसी के सामने बैठ के कुर्सी पे भी तो अखबार पढ़ते हो ना, जब घर आया करो तो ध्यान मेरी तरफ लगाया करो। सुबह सुबह मुझसे पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? इसी तरह बात बताओ, बात क्या है? नजीब अहमद, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हें मेरी हर बात जो है ना वो टेढ़ी लगती है। सारी कमियां खामियां ना मुझमें ही नजर आती हैं। अब फिर से शुरू ना हो जाना, सीधी तरह वो बात कहो जो कहना चाहती हो। मैंने पूछा था कि ज़ुल्करनैन के घर कब जाना है मेरे साथ, मैं इस बात को अब मजीद लटकाना नहीं चाहती। आखिर इतनी जल्दी क्या है? देर ना हो जाए इस डर से जल्दी है मुझको। मेरे भी वैसे क्या नसीब है नजीब अहमद, 15 साल पहले जहां खड़ी थी आज किस्मत ने दोबारा उसी मकाम पर लाके खड़ा कर दिया। उस वक्त जिस तरह तुम फहमीदा के इश्क में मुब्तला थे, आज तुम्हारा बेटा अमजद उसकी बेटी के इश्क में मुब्तला है। तुम्हारा बेटा होने का ना पूरा हक अदा कर रहा है। देखो पुरानी बातें बार बार मत याद कराया करो। बात पुरानी हो तब ना नजीब अहमद, जिस तरह तुमने फहमीदा के सामने मेरे हाथ बंधवाए ना, रोजे महशर हिसाब लूंगी तुमसे। अब बस भी कर दो ना, रोज एक ही कहानी लेकर बैठ जाती। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ नजीब अहमद, अगर मेरे जख्मों का कुछ मदावा चाहते हो ना तो मेरी बात मान लो, मेरे साथ ज़ुल्करनैन के घर चलो। ठीक है मैं सोचता हूँ इस बारे में, अभी जरा मुझे जल्दी है। अजीब अहमद अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम ज़ुल्करनैन के घर मेरे साथ कब चल रहे हो। देखो अमजद अगर बतूल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं भी वहां चला जाऊंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब खुश फहमीदा, वो तुम्हारी कोठी वाले वापस आ गए क्या? नहीं अम्मी जान,
कोई इत्तला नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि आज जाके पता करूँ, हो सकता है उन्होंने तनख्वाह भिजवा दी हो। फहमीदा, ये कोठियों में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, इनके दिल बहुत छोटे होते हैं। अरे क्या उनकी दौलत में कमी आ जाती जो जाने से पहले वो तुम्हें तनख्वाह दे जाते? अल्लाह का अजाब नाजिल हो ऐसे लोगों पे। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहें। आपको पता है वो लोग हमारा कितना ख्याल रखते हैं, तनख्वाह से हमेशा बढ़ के मिला है हमें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस बार तो हाथ कर गए ना। अब अगर तुम सोचो कि 2-4 महीने वो वापस पलट के नहीं आते तो कैसे चलेगा राशन पानी? और फिर यहाँ पर तो कोई ऐसा है भी नहीं जिसे तुम उधार पकड़ सको। आप परेशान मत हो अम्मी जान, अल्लाह ताला कोई सबब बना देगा। अब मुझे जाना चाहिए, आज बिल जमा कराने की आखिरी तारीख है। फहमीदा जी, वो मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, अगर थोड़े से पैसे बच जाएं तो सिर्फ 1-2 दिन की लेती आना। आप भी कमाल करती हैं अम्मी जान, आपको कितनी दफ़ा कहा कि दवा ख़त्म होने से पहले मुझे बता दिया करें। आपकी सेहत और दवा से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है ना। तुम दिल में तो सोचती होगी कि जिसे ब्याह किया था वो तो जिया नहीं और ये बुढ़िया मरती नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी, तुम्हारा बोझ बहुत आसान हो जाएगा। अम्मी जान, अल्लाह ना करे, मैं तो दुआ करती हूँ कि मेरी भी उम्र आपको लग जाए। हाँ ये दुआ नहीं है, ये बहुत बड़ी बददुआ है मेरे हक में। अरे तुम नहीं होगी तो तुम्हारी दोनों जवान बेटियों का बोझ कौन उठाएगा? मुझसे तो अपना वजन नहीं उठाया जाता। और फहमीदा, मैंने कितना जीना है और इतना तो जी लिया मैंने, बस। अच्छा मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज अम्मी जान। बतूर जी, अम्मी अपना मोबाइल लेकर आना। हाजरा आपा का नंबर तो मिलाना जरा, अभी तो कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा उनसे पूछूं उन्होंने नजीब भाई से बात की भी है या नहीं। तो अम्मी आप थोड़ा इंतजार कर लें, जब उनकी बात हो जाएगी वो आपको खुद ही कॉल कर लेंगे। मैंने कोई मशवरा नहीं मांगा तुमसे, जो कहा है बस वो करो। तुम बर्तन सेट करो टेबल पे। हाँ रुकैया भाई, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें ही फोन करने का सोच रही थी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ हाजरा आपा, अल्लाह का शुक्र। बस आपके मुंह से खुशखबरी सुनने का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा पूछूं आपसे, कोई बात हुई आपकी नजीब भाई से कि नहीं? देखो रुकैया, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझको है। तुम्हारी तो रही बेटी, जहाँ चाहोगी उसका ब्याह कर दोगी और वो चुप करके कर लेगी। मेरा तो है बेटा और ऊपर से इस कदर मुंह जोर, अगर जल्दी मैंने उसे नकेल ना डाली ना तो एक दिन खुद सर पे सेरा सजा कर आ जाएगा। अब वो पुराने जमाने तो रहे नहीं है जब माँ बाप की जूतियाँ घिस जाया करती थी लड़की वालों से हाँ करवाने में, अब तो लड़कियाँ खुद रिश्तों के बुलावे भेजती हैं। हाँ आपा, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन शरीफों के मुँह से हाँ निकलवाना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना पहले था। हाँ लड़कियाँ अगर फहमीदा की हों तो बात कुछ और है। हाँ तो मैं भी तो उसी की बात कर रही हूँ। अच्छा खैर दफा करो उसे। रुकैया मैंने आज नजीब अहमद के मुंह से हाँ निकलवाई ली। सच कह रही हैं आप पापा? 100% सच कह रही हूँ। नजीब ने तो मुझे कह दिया है जिस दिन तुम कहोगी हाजरा तुम्हारे साथ जुल्करनैन के घर जाके बतूल के रिश्ते की बात कर लूंगा। अरे वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया। फिर कब आ रहे हैं आप लोग? हाँ वो बस एक बार अमजद के मुंह से हाँ निकलने दो, फिर देखो कैसे चट मंगनी पट ब्याह करती हूँ मैं। क्या मतलब आपा, क्या अमजद अभी तक राजी नहीं हुआ? अरे रुकैया तुम क्यों परेशान हो रही हो,
अगर आज तक मैंने नजीब अहमद को फहमीदा के शहर से बचा के रखा है तो ये अमजद क्या चीज़ है मेरे सामने। लेकिन आपा मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर अमजद ना माना तो। अरे रुकैया तुम क्यों परेशान हो रही हो, और तुम्हें क्या लगता है मेरे जीते जी वो दुर्दाना को दुल्हन बना के ले आएगा मेरे ही घर में? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। हाँ आपा मुझे तो सिर्फ आप पर ही भरोसा है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ ये बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। अच्छा चलो रखती हूँ। हाँ अल्लाह हाफिज आपा। नजीब भाई तो मान गए हैं मगर अमजद वो भी मान ही जाएगा। हाजरा आपा को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मैं, जब किसी बात पर अड़ जाती है ना तो सबको हार माननी ही पड़ती है। लेकिन अम्मी आपकी मजबूरी क्या है, आप उनकी इतनी मिन्नतें क्यों कर रही हैं? देखिए अम्मी अगर अमजद किसी और से शादी करना चाहता है तो आप मुझे क्यों उसके गले डाल रही हैं ज़बरदस्ती? तो क्या सारी ज़िंदगी तुम्हें अपने गले डाल के रखूं? तुम बच्ची हो नहीं समझती हो, माँ को अपनी बेटियों के रिश्ते करने के लिए पता नहीं कैसे कैसे खेल रचाने पड़ते हैं। तो अम्मी अगर फहमीदा खाला अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए कोई खेल रचाएं तो वो गलत, और आप रचाएं तो वो ठीक। बकवास बंद करो तुम अपनी, तुम अपनी माँ को एक बेहया औरत के साथ मिला रही हो। देखिए अम्मी मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप मुझे किसी ऐसे शख्स के पल्ले ना बांधें जो किसी और को पसंद करता है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने शोहर के मुँह से उसकी पहली मोहब्बत के किस्से सुनते हुए नहीं गुजारना चाहती। बतूल देखो ये मर्दों की मोहब्बतें आर्जी होती हैं, आज किसी से तो कल किसी से, लेकिन शादी मुस्तकिल होती है सारी ज़िंदगी के लिए। तुम नहीं समझोगी और तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, उठ गया मेरा बच्चा? जी अम्मी कुछ है नाश्ते के लिए? हाँ बेटा आज तेरे लिए खास नाश्ता बना रही हूँ मैं। देख बेटा तेरे अब्बा कह रहे थे कि अब तू ना कामकाज पे तवज्जो दे, हैं? कल कला को तेरी शादी होनी है, वैसे तो अल्लाह का दिया तेरे बाप के पास सब कुछ है, लेकिन बेटा फिर भी अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी इंसान अगर अपनी कमाई से उठाए ना तो उसकी बात ही कुछ और होती है। बीवी के हाथ में शौहर जब कमाई ला के रखता है ना तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अगर किसी और की नौकरी नहीं करनी तो ना सही, बाप के साथ शोरूम चला जाया कर, है? उसकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी और तुझे भी कारोबार की ऊंच नीच का पता चल जाएगा। कल को आखिर ये सब कुछ तुझे ही तो संभालना है। अब देखना इमरान तो अच्छी खासी नौकरी पे लगा हुआ है, उसकी तो पांचों घी में है, उसे तो ज़रूरत नहीं कारोबार की। अब तूने ही जाके ये सब कारोबार देखना है, सारी जिम्मेदारी उठानी है बाप की भी और ससुर की भी, है? वाह मम्मी आज तो आपने पराठा बनाया। हाँ खास तेरे लिए, तुझे पसंद है ना पराठे? हाँ बहुत। मैंने सोचा मेरा बच्चा डबल रोटी खा खा के थक गया होगा। मैंने सुना है बतूल भी बहुत अच्छे पराठे बनाती है। वो भी बनाती होगी मगर अम्मी खाला फहमीदा जैसे पराठे कोई नहीं बनाता। क्या कहा? फहमीदा जैसे पराठे? तूने कब खाए फहमीदा के हाथ के पराठे? वो एक दिन खाए थे, बहुत पहले की बात है। डर क्यों रहा है अमजद? खुल के कहना, खुल के बोल दे कि तेरी माँ फुअड़ है, उसे कोई काम नहीं आता, अपने बेटे के पसंद के पराठे नहीं बना सकती वो। भाई मैं कहती हूँ कि मुझसे बढ़कर बदनसीब औरत कौन होगी इस दुनिया में? सारी जिंदगी जिस औरत के नाम के ताने शोहर देता रहा, आज बेटा ही उस औरत के गुण गा रहा है। अब समझ में आई कि तू दुर्दाना से क्यों शादी करना चाहता है, ताकि तू उसके माँ के हाथ के पराठे खा सके। तू तो हुई बदनसीब औरत। क्या हो गया? नहीं, मैंने तो वैसे ही एक बात कह दी थी। नहीं अमजद तूने यूं ही एक बात नहीं की, तूने मेरे सीने पे ना खंजर का वार किया है, और खंजर का वार तो मैं सह लेती लेकिन ये फहमीदा वाला वार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। खान भाई आपकी कोई बात हुई उन लोगों से? कुछ पता चला वो लोग कब वापस आएंगे? उनका कुछ पता नहीं है, मेरी भी बड़े दिन पहले फोन पे बात हुई थी उनसे, आने का तो उन्होंने कुछ नहीं बोला,
बस इतना कहा था कि घर का ख्याल रखो। और वो तनख्वाह वगैरह? खुदा का नाम लो फमीदा बहन, अगर तुम्हारा तनख्वाह भेजा होता तो हम उसी दिन बुलाकर तुमको दे देता। हम अपनी जेब में किसी का अमानत नहीं रखता, पता नहीं किस दिन मौत आ जाए। क्या बात है फमीदा बहन, बहुत परेशान लग रही है। अगर कोई 200-400 का बात है तो हम तुम्हारा मदद कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं बहन, जिस तरह हम इस घर का मुलाजिम है तुम भी उसी तरह इस घर का मुलाजिम है। अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? वैसे एक मशवरा दूं तुम्हें, तुम अभी कहीं और नौकरी कर लो। जब साहब लोग वापस आ जाएगा तुम बेशक वो नौकरी छोड़ देना। इस दौरान तुम कैसे अपना खर्चा पानी चलाएगा? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, बिजली का बिल आ गया। देख के बताना कितने का है। 4,200 रुपए। जी, ओ, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी। अगर थोड़े से पैसे बच जाएं, सिर्फ एक दो दिन की लेती हूँ। वैसे एक मशवरा दूं तुम्हें, तुम अभी कहीं और नौकरी कर लो। जब साहब लोग वापस आ जाएगा तुम बेशक वो नौकरी छोड़ देना। इस दौरान तुम कैसे अपना खर्चा पानी चलाएगा? अब अगर तुम सोचो कि 2-4 महीने वो वापस पलट के नहीं आते तो कैसे चलेगा राशन पानी? और फिर यहाँ पर तो कोई ऐसा है भी नहीं जिसे तुम उधार पकड़ सको। तुम दिल में तो सोचती होगी कि जिससे मैंने शादी की थी वो तो रहा नहीं, ये बुढ़िया मरती नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा, तुम्हारा बोझ बहुत आसान हो जाएगा। मैं मानता हूँ खाला फहमीदा ने ज़रूर आपके साथ कोई ज़्यादती की, उनका कसूर होगा। मगर अम्मी, ये सब पुरानी बातें हैं, क्या आप अपने इकलौते बेटे की खुशी के लिए बातें नहीं भूल सकती? भूल सकती हूँ बेटा, ज़रूर भूल सकती हूँ। लेकिन अगर वो लड़की मेरी नज़रों के सामने मेरे घर में फिरती रहेगी तो नहीं भूल सकूंगी। देख अमजद, मैं तेरी खुशी की खातिर सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन दुर्दाना को बहू बना के इस घर में किसी सूरत नहीं लाऊंगी। अगर ये बात है तो मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। मंजूर है, अगर ये तेरी जिद है ना तो मैं भी तेरी माँ हूँ, पीछे नहीं हटूंगी। सारी जिंदगी तेरे और तेरे बाप की खुशी की खातिर मैं हर महाज पे पीछे हटी हूँ, लेकिन इस बार नहीं, इस बार वही होगा जो मैं चाहूंगी। ठीक है, अगर मेरी खुशियों का कत्ल करके आपको सुकून मिलता है ना तो शौक से करें मेरी खुशियों का कत्ल,
यही, बिल्कुल यही अल्फाज थे नजीब अहमद के। आज तक उसकी आवाज जो है ना वो मेरे कानों में गूंज रही है। उसकी भी सारी खुशियां ना फहमीदा के साथ जुड़ी हुई। मुझे एक बात बताओ, ये जो खुशियों का सर चश्मा है ये क्या फहमीदा की दहलीज से फूटता है जो हर कोई अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां पे पहुंच जाता है? अम्मी खुदा के लिए एक बार अपना दिल साफ करके दुर्दाना से मिले तो सही, मुझे यकीन है वो आपको जरूर पसंद आएगी। हाँ बेटा, एक यही हुनर तो आता है उन माँ बेटियों को, फौरन हर किसी के दिल में उतर जाती है। लेकिन बेटा मैं इस मंजिल से बहुत आगे निकल आई, मुझे तो कोई नेक इंसान भी आके उन माँ बेटियों की गवाही देगा ना तो मैं कान नहीं धरूंगी। तू तो फिर नजीब अहमद का बेटा है। और देख हमजन बेटा, माँ की खुशी में अल्लाह की खुशी होती है, तो किसी लड़की के लिए माँ का दिल दुखाएगा ना तो याद रखना माँ का दुख अर्श हिला देता है। अम्मी मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। अपने बाप से भी दो हाथ आके निकला। हाजरा परवीन, तेरी आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई।